कोडरमा के पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के काफिले पर अराजक तत्वों के हमला किए जाने के बाद जो है झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि रविंद्र राय जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रांची से सड़क मार्ग होते हुए सीधे धनबाद जा रहे थे, तभी तेलमचो पुल के समीप जो है उनके काफिले पर अराजक तत्वों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। हालांकि इस जानलेवा हमले में किसी तरह जो है रविंद्र राय और उनके जो बॉडीगार्ड थे किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गए, लेकिन जिस तरह से रविंद्र राय ने इस खौफनाक मंजर को स्वदेशवाणी के साथ एक ऑडियो के माध्यम से शेयर किया है, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से झारखंड में मगही, अंगिका और भोजपुरी को स्थानीय भाषा में शामिल किए जाने का विरोध जो है लगातार किया जा रहा है और इस विरोध का चारों ओर असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जो है भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले या अंगिका बोलने वाले जो लोग एक और इसके समर्थन में खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जाने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक राजनेता को अगर वो कहीं जा रहा है तो उसके काफिले पर हमला करना कहीं ना कहीं यह गलत है और इस गलत तरीके से जिस तरह से उनके काफिले पर हमला किया गया तो कहीं ना कहीं रविंद्र राय ने इसे एक साजिश बताया है और इस मामले को लेकर उन्होंने स्थानीय थाने में फिलहाल मामला भी दर्ज करवाया है। अरे क्या बोलिएगा, घटना घटाना था उन लोगों को। हम लोग तो वो राजगंज में बैठक थी किसान मोर्चा जिला की कमेटी की, उसी ने लोग बुलाया था कि नहीं जाना है, जा रहे थे। हम लोग पता नहीं था, जेना मुड़े बाद पता चला कि मानव श्रृंखला बना है साथ, तो हम लोग दो तीन जगह रोड के पूछे, बोला नहीं बंदी उंदी नहीं है और रोड बाधित नहीं किया है, हम लोग सिर्फ साइड में खड़ा है, आप जा सकते हैं। एक दो जगह लोग बोला सर हम लोगों को समर्थन दीजिए, हमने कहा बिल्कुल हम स्थानीय लोगों को समर्थन में हमने स्टेटमेंट भी लिया, लेकिन वहाँ तेलमच्चो के पास जो है ना वहाँ पर 400-500 लोग थे, प्रशासन था नहीं, तो अचानक जो है सो वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया, वो लोग गाड़ी रोक दिया, मेरा बाकी निकाल दिया, अपना गाड़ी रोक दिया और कुछ देर के बाद बोला नहीं हमको समर्थन दीजिए, नीचे उतरिए, हम लोगों से बात कीजिए, फोटो खिंचा लीजिए अपना। हम बोले चलो, फिर निकले हम 10 मिनट उन लोगों से मिले जुले, उसके बाद देखे कि वो लोग देखा कि इनको तो नहीं सक रहे हैं, तो उसके बाद बहस करने के नाम पर जो है सो हल्ला करने लगा, फिर गाली गलौज बकने लगा, फिर पार्टी मुर्दाबाद किया, तो फिर गाड़ी में बैठ गए। फिर उसके बाद हम देखे कि लोग अब आगे नहीं बढ़ने देगा, हम पीछे गए बैक करो, तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग थोड़ा सा उसमें से था जो जानता था उस क्षेत्र में, क्योंकि मेरे परिचित लोग हैं सब, भीड़ में भी था 10-15 लोग ऐसा जिसको पहचान रहा था, दोनों को रोक भी रहा था बदमाशी करवा, किसी तरह वही लोग रास्ता बनाया, फिर ड्राइवर मेरा हिम्मत करके गाड़ी निकाला और भाग गए। बड़ा विचित्र स्थिति है, चोट उठने लगा है? ना ना लगा, वो लोग दोनों सिपाही जो हमारे साथ में थे बॉडीगार्ड, उनको कोशिश कर रहा था झगड़ा करने का। अच्छा। लेकिन वो लोग नहीं, मैंने बस वो लोग खाली बच के निकलने के फिर में, हमको बच के निकालने फिर में रहा, हमने कहा झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो लोग देखा होगा पुलिस प्रशासन का आदमी है तो ये लोग को पिटपट करेंगे तो हो सकता है ऊपर तक मामला जाएगा। हाँ। लेकिन अब इस तरीके से थोड़ी आंदोलन होता है, वही हम देखे, हम लोग भैया से बात कर लें भाई कैसे कैसे घटना घट। ठीक है, गिरिडीह पहुंच गए? हाँ नहीं, हम रांची लौट गए। बात जा नहीं सके बैठक में, जी गाड़ी डैमेज हो गई थी, तो हमको लगा कि चलो फिर कुछ लोग कार में सब लोग जमा हो गए पार्टी के लोग, फिर वो लोग साथे आ गए यहाँ गोला तक, तो फिर धीरे धीरे हम आ गए घर, प्रशासन की गाड़ी लगी हुई थी रात तक। जी तो FIR कम थाना में करवा दिया, चास में हमने इन्फॉर्मेटिव एक सूचना दे दी, गया था ऐसा घटना घटा है चास में ना, नाम किसी का नहीं दिया, प्रशासन अपना जानकारी ले, तो मीडिया उडिया वाले लोग है सब पूछा दिए, इसी वाले आजकल तो रिकॉर्डिंग तुरंत होते रहता है आजकल तो मैंने अखबार छुट्टी गया समझिए, तो सब सोशल मीडिया में ही सब चल रहा है, जो भी होता है फटफट रिकॉर्डिंग किया उसको अथी किया चल गया खबर।
चलिए, आजकल रांची रहना हो रहा है क्या? अब इधर से मतलब कहाँ, 2 साल से नहीं रह रहे थे, कोरोना, तो इधर से कुछ घर में अभी शादी विवाह, पिताजी का देहांत हो गया, तो अब अभी कुछ दिन से रहना शुरू किए हैं, और अभी तो परसों तरसों आए हैं, अच्छा, मतलब ज्यादा रांची में ही रहने का प्रोग्राम है। चलिए ठीक है, आते हैं तो मिलते हैं रांची। ठीक, हाँ आइए। प्रणाम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।